हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर अभी आप लोगों को उत्तराखंड ग्रुप सी की जो वैकेंसीज आई हैं उसकी तैयारी करा रहे हैं। हमने हिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स यहाँ पर डाले हुए हैं और आज के इस वीडियो में उत्तराखंड का हम सामान्य परिचय यानी उत्तराखंड के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, किस जिले की सीमा कितनी ज़्यादा है, किसका क्षेत्रफल कितना है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है। और यहाँ पर मैं आपको एक ज्योग्राफी पढ़ने की ट्रिक बता दूं कि आप ज्योग्राफी को मैक्सिमम मैप्स के साथ पढ़िएगा, मानचित्र के साथ पढ़िएगा, आपको जल्दी याद हो जाएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब मैं ले चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि हम जो यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ेंगे वो ज्योग्राफी मैप के आधार पर ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप मैप्स देख रहे होंगे। आज हम यहाँ पर केवल जो बेसिक आपका नॉलेज है या बेसिक जो भौगोलिक संरचना है उत्तराखंड की, हम उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे उत्तराखंड का मैप, तो आज हम जिलों के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा जिला किससे आपका किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलता है, कि अंतर्राज्यीय कौन सा जिले के साथ मिलता है, इस तरीके के सारे क्वेश्चन हम जानेंगे। तो यहाँ पर इस पे उत्तराखंड पे आने से पहले अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ भारतवर्ष में, ठीक है, यहाँ पर आपको ये भारतवर्ष का मैप दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा ये राज्य है उत्तराखंड राज्य, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यह जो है यह आपका हिमालय यहाँ पर क्षेत्र है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला ये हिस्सा है ये इसका हिमालयी राज्य में आता है यहाँ पे, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये आपका जो मैदानी भाग है गंगा और यमुना का जो मैदानी भाग है वो उसके बीच में आता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारे राज्य का आकार कैसा है। तो अगर आप हमारे राज्य का आकार देखेंगे तो हमारे जो राज्य का आकार है यह आयताकार है, मतलब यह रेक्टेंगल के फॉर्म में है, ठीक है। किसके फॉर्म में है? रेक्टेंगल के फॉर्म में, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका किसकी, जो क्वेश्चन आपके जनरली पूछे जाते हैं कि हमारा अक्षांशी और देशांतरीय वो किसके बीच में है, ठीक है। यहां पर आपको देख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिएगा, ठीक है। तो जो हमारा उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, ये देखिए कहां तक है, जो लोएस्ट है, अच्छा उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, सॉरी उत्तरी और जो आपका अक्षांश है, ये दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर के बारे में बता दूं, यानी मैं आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बता दूं। ये यहां पर हमारा वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, हम इंडिया में यहां पर हैं। यहां पर अगर आप देख रहे हैं ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये इंडिया का हिस्सा है, जो ये है ये श्रीलंका आप देख रहे हो छोटा सा, ये आपका इंडिया है। ये जो आप देख रहे हो ये इक्वेटर वाला हिस्सा है, यानी ये कौन सा है, इसको हम बोलते हैं आपका क्या, विषुवत रेखा, ठीक है। ये जो ऊपर वाली है ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा हमारे उसमें भारतवर्ष को काट के चलती है। तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं, जो क्या होती हैं, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं उनको हम बोलते हैं अक्षांश, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम अक्षांश, यानी इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, ठीक है। और जो आपका ये वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही हैं इनको बोलते हैं हम देशांतर, क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम देशांतर, यानी इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो जो हमारा भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष देखो आप, ग्लोब है, इस ग्लोब के आपके दो हिस्से हैं, एक ये हिस्सा एक ये हिस्सा। तो हम कहाँ पर हैं, हम आपके उत्तरी गोलार्ध में हैं और ये नीचे वाला आपका दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं, ठीक है। तो यहां से मेरे को लगता है कि आपको जो अक्षांश देशांतर वाला है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको जो उत्तराखंड का मैप है इस उत्तराखंड के मैप पे ही आपको ले चलता हूं, ठीक है। ये उत्तराखंड का आपका यहां पर मैप है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है वो सारी की सारी चीजें हम जानेंगे, ठीक है। तो जो आपका इसका हम बात करते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल लाइनों में बात कर लेते हैं, जो ये नीचे वाला हिस्सा है जो ये है, ये आपका 28 डिग्री 43 मिनट है, 28 डिग्री 43 मिनट से लेके इसका ऊपर को आपका गया ये कितना है, 31 डिग्री 27 मिनट, ठीक है। ये इसका क्या है, ये उत्तरी अक्षांश है, नॉर्थ लैटिट्यूड है। और हम किस हिस्से में आते हैं, हम पूर्वी हिस्से में आते हैं,
तो पूर्वी हिस्से की अगर हम बात करें तो जो हमारा है वह 77.34, ठीक है, मतलब जो हमारा 77.34 से लेके 81.02, मतलब आप इसको लिख लीजिए, जो हमारा बाहर ये क्या नाम है उत्तराखंड है, ये 77 डिग्री 34 मिनट से लेके आपका किसके बीच में है 81.2 डिग्री के बीच में है, ठीक है। यहां पर आपको समझ में आया होगा तो आप इसको नोट कर लो कि जो हमारा उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ लैटिट्यूड है वो 28 डिग्री 43 सेकेंड से ले 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 सेकेंड, और जो हमारा पूर्वी देशांतर है वो 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट तक है, ठीक है। अब हम यहां पर बात करते हैं अपने राज्य की लंबाई की, ठीक है। तो हमारे जो राज्य की लंबाई है, मतलब राज्य की लंबाई ये, ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो इस कोने से, अभी यहां से देखो प्रश्न बनेंगे, इसलिए आप देख रहे हो कि सबसे पूर्व में कौन है, सबसे पश्चिम में कौन है, ठीक है, ये अभी आपसे क्वेश्चन में पूछूंगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक आपका कितना है, ये आपका 358 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तर से लेके दक्षिण तक, यहां से लेके यहां तक ये आपका जो इलाका है, ये इलाका कितना है, ये है 320 किलोमीटर, कितना है 320 किलोमीटर है, ओके। तो यहां पर आपको समझ में आया कितना आपका है, ठीक है, 358 और ये 320, ओके। अब यहां पर मैं कुछ आपको फैक्ट्स लिख के बता देता हूं, उसके बाद आप देखना, ठीक है। हम यहां पर अगर बात करते हैं अपने राज्य के क्षेत्रफल की, ठीक है, तो हमारे राज्य का जो क्षेत्रफल है वो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, इसको याद रखना, 53483 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब जो लंबाई गुणा चौड़ाई आपका है वो है 53483 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें आपके दो भाग होते हैं, ठीक है, एक भाग आपका पर्वतीय भाग है और एक आपका मैदानी भाग है। जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जो आपका जो जिले बटे हुए हैं वो जिले आपके पर्वतीय भाग और मैदानी भाग में बटे हुए हैं। जो पर्वतीय भाग है उसका जो एरिया है वो है 46035 स्क्वायर किलोमीटर, और जो आपका मैदानी भाग है, मैदानी भाग है 7448 स्क्वायर किलोमीटर। दोबारा समझो, जो पूरा क्षेत्रफल है वो है 53483, जो पर्वतीय भाग है वो है 46035, और जो मैदानी भाग है वो है 7448। जो आपका पर्वतीय भाग है वो 86.07% है, और जो आपका मैदानी भाग है वो है 13.93%, ठीक है। आपको समझ में आया कितना है 86.07% और ये कितना है 13.93%, ओके। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स आपको और देखने हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको वो पॉइंट्स बता देता हूं, वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपको याद करना है जो क्षेत्रफल के आधार पर, किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, ये बहुत बड़ा लोगों को यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पहले कौन सा राज्य था, 18वां राज्य जब ये बना था, ठीक है, याद करना, क्षेत्रफल के आधार पर 18वां राज्य था, बट जब 2014 में कौन सा बना, 2014 में कौन बना, तेलंगाना बना। जब तेलंगाना बना तो ये कौन से नंबर का हो गया, 19वां राज्य हो गया, ठीक है। पहले क्या था, पहले आपका 18वां राज्य था, जब 2014 में तेलंगाना बना तो क्या हो गया आपका, तो आपका क्या बन गया, ये 19वां राज्य बन गया। लेकिन अब क्या हुआ, इसके बाद होता है, इसके बाद आपका कौन बन जाता है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जो जम्मू कश्मीर आपका राज्य से किसमें बदल जाता है, केंद्र शासित प्रदेश में बदल जाता है, तो ये फिर से कौन सा राज्य हो जाता है, क्षेत्रफल के आधार पर 18वां राज्य हो जाता है। दोबारा से बहुत से लोग यहां पर करेंगे, जब बना था तो 18वां राज्य था, 2014 में जब तेलंगाना बना तो 19वां हो गया, फिर जम्मू कश्मीर बना तो क्या हो गया, जम्मू कश्मीर बना नहीं, जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ गया, लद्दाख और
जम्मू में, तो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका 18वां राज्य हो गया। ठीक है, यहां पर बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं जो उत्तराखंड राज्य का आपका क्षेत्रफल है यह कितना है भारत के, आप नोट कर लो और नोट्स आप बनाते रहो, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, 1.69%, कितना है 1.69% है आपका क्षेत्रफल के आधार पर। यहां पर आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको दोबारा से हल्का सा रिवाइज करा देता हूं, जो आपका 53,483 है, ठीक है, इतना है वो मैदानी और पर्वतीय भागों में बांटा है क्षेत्रफल के आधार पर आपका यह राज्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर क्या है जो ये राज्य है, सॉरी, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है, आप अब इसको नोट करते रहना। ठीक है, मैं इसी आपको मैप के आधार पर यहां पर बताऊंगा, ठीक है, किस तरीके से आपका चलेगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर जो ये चमोली है, क्षेत्रफल के आधार पर चमोली सबसे प्रथम है, जिसका जो चमोली है इसका कितना है 8030 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जो चमोली है वो 8030 है, और जो सबसे छोटा है वो आपका चंपावत है, वो कौन सा है, वो आपका चंपावत है। ठीक है, चंपावत का कितना है 1766, यहां पर अगर आप नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, चमोली का जो क्षेत्रफल है वो है 8030। ठीक है, और जो आपका यहां पर चंपावत की अगर हम बात करते हैं तो चंपावत का आपका 1766, ओके, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की, किसकी बात कर लेते हैं, हम यहां पर बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की। ठीक है, मैं आपको दोबारा से यहां पर इसको अपलोड कर देता हूं, आप उसके बाद देखना इसको। ठीक है, जो हम यहां पर अपलोड करेंगे, जो इसका मैप है, ठीक है, इस मैप के आधार पर हम फिर से समझेंगे, पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो जो ये है, ठीक है, ये किस किस पे मिला रहा है, ठीक है, एक ये ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम हल्का सा यहां पर आपका जो वाला उत्तराखंड का दूसरा मैप है उसको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर से आपको चीजें थोड़ा समझ में आ जाएंगी, चीजें आपको अच्छी सी दिखने लगेंगी, बढ़िया सा लगेगा, ओके, इस तरीके से आप मैप से जब पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो जो आपका राज्य है, हमारा ये राज्य है आपका, ये इधर जो हिस्सा है ये नेपाल का हिस्सा है, और जो ये ऊपर वाला ये हिस्सा है, ठीक है, ये जो हिस्सा है ये आपका तिब्बत चीन का हिस्सा है, समझ में आया, जो आपका ये हिस्सा है याला बॉर्डर जो है, ठीक है, ये बॉर्डर आपका कौन सा बॉर्डर है, ये नेपाल बॉर्डर है, और जो ये ऊपर वाला बॉर्डर है ये आपका चीन वाला बॉर्डर है। ठीक है, इसमें आप एक पॉइंट और नोट कर लो, इसमें आपको नोट ये करना है कि उत्तराखंड का जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितने किलोमीटर है, वो है 652 किलोमीटर। कितना है, जो यहां से लेके यहां तक पूरा मिला ये कितना है 652। जो चीन के साथ है वो चीन के साथ आपका कितना है 350 किलोमीटर, और जो आपका इसके साथ है वो लगभग आपका कितना है, ये मैंने 652 गलत लिख दिया, ये 625 है। ठीक है, ये कितना है 625, मतलब जो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 625 है, 350 ये है, 275 ये है। ठीक है, तो आपका जो चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो 350 किलोमीटर, नेपाल के साथ जो आपका वो क्या है 275 किलोमीटर। अब अगर हम यहां पर राज्यों की बात करते हैं, ठीक है, राज्यों की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो राज्यों में आप यहां पर देख लो, ठीक है, हम यहां पर देख लेते हैं, ये आपका मैं लिख देता हूं नेपाल वाला हिस्सा है, ठीक है, ये ऊपर आपका चीन वाला हिस्सा है, जो नीचे वाला हिस्सा है यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, जो ये हिस्सा है ये आपका हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा है।
ठीक है। अब यहां से देखो फैक्ट्स आपको याद करने हैं। जो तीन जिले हैं ऊपर वाले देखो, आप देख रहे हो, ये उत्तरकाशी की सीमा, ये चमोली की सीमा और ये पिथौरागढ़ की सीमा, ये तीनों किसके साथ बना रहे हैं? ये चीन के साथ बना रहे हैं। प्रश्न बन जाता है कि चीन के साथ कौन नहीं बना रहा है? तो जब तक आपके दिमाग में ये मैप नहीं छपा होगा आप रटने लग जाओगे। मैप आपको समझ में आ गया होगा, ये उत्तरकाशी का हिस्सा, ये चमोली का, ये पिथौरागढ़ का। तो ये तीनों किसके साथ मिलकर बना रही हैं? ये चीन के साथ। नेपाल के साथ देखो, नेपाल के साथ आपका उधम सिंह नगर बना रहा है, चंपावत बना रहा है और आपका पिथौरागढ़ बना रहा है। समझ में आया? तो आपके तीन चीन के साथ, तीन आपके नेपाल के साथ, तो कुल मिलाकर पांच जो जिले हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बनाते हैं। ओके, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे जो हमारा है, हम दो राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश के साथ और एक हिमाचल प्रदेश के साथ। अब हिमाचल प्रदेश के साथ कौन कौन बना रहा है? देखो आप, देखो हिमाचल प्रदेश के साथ आप देखो, ये उत्तरकाशी है और ये देहरादून है। दो, एक उत्तरकाशी, दूसरा देहरादून, ये किसके साथ बना रहे हैं? हिमाचल प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ देखो, उत्तर प्रदेश के साथ आपके पांच राज्य बनाते हैं, एक आपका देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उद्धम सिंह नगर। ये पांच जो जिले हैं, ये पांच जिले उद्धम सिंह नगर के साथ बना रहे हैं। जबकि जो हमारे चार जिले हैं, कौन कौन से? एक टिहरी गढ़वाल, एक रुद्रप्रयाग, एक अल्मोड़ा और एक बागेश्वर, ये चार के चार आंतरिक जिले हैं। ये किसी के साथ सीमा शेयर नहीं कर रहे हैं, ना तो राज्य के साथ, ना ही किसी देश के साथ, जो अपने ही जिले हैं उन्हीं के साथ कर रहे हैं। तो यहां पर प्रश्न तो बन सकता है कि कितने जिले हैं जो किसी भी देश या राज्य के साथ आपका सीमा नहीं बनाते हैं। तो आपको चार आना चाहिए, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली और, सॉरी चमोली नहीं, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। ओके, उसके बाद यहां पर हम बात करते हैं सबसे उत्तरी जिला, वो कौन है? उत्तरकाशी। सबसे दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर। सबसे पूर्वी जिला ये पिथौरागढ़। सबसे पश्चिमी जिला वो आपका क्या है? वो देहरादून है, ठीक है, ये यहां पर याद कर लिया। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है, आप बताएंगे कि ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा शेयर कर रहा है? ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा शेयर कर रहा है? तो वो कौन सा है? वो नाम आपको याद रखना है, वो है पौड़ी गढ़वाल। किस किस के साथ? देखो सात जिलों के साथ करेगा वो, ठीक है। सबसे पहला यहां देखो, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल। देख रहे हैं, एक, दो, तीन, ये चार, ये पांच, ये छह और ये सात। देख रहे हैं, सबसे जो अधिक जिलों के साथ सीमा शेयर करने वाला जिला है वो है आपका पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। और यहां पर अगर हम बात करते हैं कि सबसे अधिक जो हम कहेंगे किसी देश के साथ, वो आपका पिथौरागढ़ है। वो पिथौरागढ़ देखिए नेपाल के साथ बना रहा ना इतना, ठीक है। तो सबसे अधिक कौन सा है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखने वाला जिला वो आपका पिथौरागढ़ जिला है, ठीक है। स्टूडेंट, आज तो हमने ये सारी चीजें यहां पर जान ली हैं, ठीक है। यहां से आपके कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको आप ध्यान से देखेंगे, मैप के आधार पर पढ़ें, मैप बनाने की कोशिश करें। अब जब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भौगोलिक विभाजन की। किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे भौगोलिक विभाजन की। तो ये भौगोलिक जो उत्तराखंड का विभाजन है,
ये विभाजन आपका 8 भागों में किया गया है, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट हम आज के लेक्चर में यहीं पर रुकते हैं। अब आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, मैप के आधार पर पढ़ें, मैप से समझने की कोशिश करें। कोई अगर फैक्ट्स आपको लगता है ऊपर नीचे, जैसे बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है उत्तरकाशी और चमोली जिले में कौन सा सबसे बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा वो आपका चमोली जिला ही है 8030, उत्तरकाशी 8016, ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अब अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स आप हमसे हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर जाके ले सकते हैं, आप हमारा जो लर्निंग ऐप है वेदाश्री लर्निंग उसको आप देख सकते हैं, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो चलिए स्टूडेंट आज के लेक्चर में बस इतना ही, मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय उत्तराखंड। तो स्टूडेंट आपने आज का लेक्चर देखा, आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। मैं चाहूंगा कि आप अपने नोट्स बनाते रहें, और एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप और अधिक सीरियसली होकर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा लर्निंग ऐप वेदाश्री लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। इसी आशा में कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी बड़े जोश और बड़े मनोयोग से कर रहे होंगे, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय उत्तराखंड।